कहानी की स्टार्टिंग में हम अंडरकवर एजेंट को देखते हैं जिसका नाम ओरियोके है, जो पिगोट नाम के सीक्रेट एयरशिप से हथियार बनाने वाला डिस्क चुरा लेती है। सीन चेंज होता है और हम फुताबा किंडरगार्टन के स्टूडेंट को शिप पर देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन एजेंट ओरियोके सिंचैन कोजामा मशाओ नैनी और बो को वो लोग पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हम एक और एजेंट को देखते हैं जो बच्चों के घर जाता है और उनकी तस्वीरें कलेक्ट करता है ताकि उन बच्चों को पहचान कर वह बचा सके। मिसे अपने बेटे को बचाने के लिए हिमावारी और हिरोशी के साथ हांगकांग जाती है। सीन चेंज होता है और पिगहूफ के तीन एग्जीक्यूटिव्स आते हैं और ओरियोके से डिस्क वापस मांगते हैं, लेकिन ओरियोके मना कर देती है, इसलिए वे ओरियोके और सिंचैन को पिगहूफ के हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। रास्ते में ओरियोके को छोड़कर सिंचैन और उसके दोस्त पिगहूफ के एयरशिप से बच निकलते हैं, लेकिन ओरियोके नहीं बच पाती। सिंचैन और उसके दोस्त डॉक्टर ओबुकुरो के लेबोरेटरी का एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन सर्विलेंस कैमरे की वजह से पकड़े जाते हैं और वो फिर से ओरियोके से मिलते हैं। माउस डिस्क को ले लेता है और कंप्यूटर चलाता है जिसमें बुरी बुरी जाइमोन का प्रोजेक्शन होता है। माउस कंप्यूटर वायरस को दुनिया भर में फैलाकर कब्जा करना चाहता है। डॉक्टर ओबुकुरो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं, इसलिए सिंचैन को प्रोग्राम में इन्वेट करते हैं ताकि कंप्यूटर वायरस को फैलने से रोक सके। दूसरी ओर ओरियो के मामा को हरा देती है और कंप्यूटर वायरस डिलीट हो जाता है, लेकिन माउस हेडक्वार्टर्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। तभी सिंचैन को बुरी बुरी जाइमोन का इल्यूजन दिखाई देता है जो एयरशिप को ऊपर धक्का दे रहा होता है। जब एयरशिप सुरक्षित हेडक्वार्टर से दूर आ जाता है तो बुरी बुरी जाइमोन का इल्यूजन धीरे धीरे आग में गायब हो जाता है।